आपके साथ भी हो सकता है ये। लोग स्मार्टफोन्स तो यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है, लेकिन चार्जिंग वाले पार्ट को अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। हर दूसरा बंदा जो है चार्जिंग पे ऊपर लोग ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर मारते हैं। लेकिन चार्जिंग आपके लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। कुछ चीजें हैं जो अगर आप इग्नोर करेंगे तो बहुत महंगी पड़ सकती है। ये गलतियां कोई बात नहीं, अगर आप आज तक ये गलतियां करते आ रहे हैं, क्योंकि इंसान जो है गलतियों से ही सीखता है, तो गलतियां करना जरूरी है, लेकिन आपको गलतियों से सीखना भी जरूरी है। तो अगर आपने ये गलतियां की हैं तो इन गलतियों से सीखिए और दोबारा इन गलतियों को दोहराइए मत, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जान से ज्यादा कीमती नहीं आपका फोन। चार्ज करते समय इन चीजों का ध्यान रखिए। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो अक्सर जो है किसी और का चार्जर पे अपना फोन हमेशा चार्जिंग पे लगा देते हैं। आपको ध्यान रखना है, आप किसी और का चार्जर यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, आपका जो स्मार्टफोन का चार्जर है उसी को यूज करके अपना फोन चार्ज करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी और ब्रांड का चार्जर यूज करते हैं, इट्स नॉट अबाउट ब्रांड, आप किसी और ब्रांड का यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि वो जो है सर्टिफाइड चार्जर होना चाहिए, उसमें प्रॉपर रेटिंग होनी चाहिए और कॉलकॉम की तरफ से सर्टिफाइड चार्जर हो। आप किसी भी कंपनी का ऐसे ही कोई भी चार्जर उठा के यूज ना करें, ध्यान रखें सर्टिफाइड हो। लेकिन उससे सबसे जरूरी ध्यान ये रखें कि अपना ही चार्जर यूज करें, किसी और का यूज ना करें। अगर मजबूरी है तो चेक करके ले प्रॉपरली कि वो जो है प्रॉपरली सर्टिफाइड चार्जर है या नहीं, कोई भी ऐसे रोड छाप चार्जर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगली जो गलती, आप जो चार्जिंग केबल जो है उसका ध्यान रखें कि अपने चार्जिंग केबल जो आपके चार्जर के साथ मिली उसी को यूज करें, आप कोई और यूज ना करें। कई बार जो है लोग डेटा केबल से चार्ज करने की कोशिश करते हैं, डेटा केबल उतने अच्छे से चार्ज नहीं कर पाती, बहुत स्लो चलता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप अपने प्रॉपरली जो चार्जर के साथ केबल मिली उसे यूज करेंगे तो जल्दी चार्ज होगा। और जो अगर आपके फोन में स्पेशली आप अगर क्विक चार्ज या फास्ट चार्जर डैश चार्जर कुछ इस तरह का यूज करते हैं, तो आपको अपनी ही केबल से चार्ज करना है, दूसरी केबल से चार्ज करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तीसरी एक और गलती जो है, लोग अक्सर जो है लैपटॉप में घुसा देते हैं अपना चार्जर और लैपटॉप से चार्ज करने की कोशिश करते हैं। चार्ज तो हो जाता है लेकिन बहुत स्लो काम करता है जो है, तो इससे बेटर यह है कि आप अपने वॉल चार्जर से ही चार्जिंग प्लग में लगाकर ही चार्ज करें। तो लेकिन इससे तकलीफ तो कुछ नहीं होगी, आप लैपटॉप से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, भरपूर टाइम है, तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर आप फास्ट चार्जर चाहते हैं, रिजल्ट अच्छे चाहते हैं, तो आप इसे यूज करें वॉल चार्जर में लगा करके। इसके बाद जो एक और गलती है, लोग अक्सर जो चार्जिंग में लगा कर घंटों घंटों अपने फोन में बात कर रहे थे। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है, क्योंकि आपके लाइफ से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर आप चार्जिंग पे लगा के अपना फोन यूज करते हैं तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स और अर्थिंग वगैरह की प्रॉब्लम सबको पता है, कुछ भी हो सकता है, इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। आई मीन खुदा ना खास्ता कुछ ब्लास्ट अगर हो गया फोन में तो तकलीफ है, तो आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे चार्जिंग में लगा के। और अगर आपको करनी ही है बात, तो आप ईयरफोन यूज करें, ईयरफोन लगा के बात करें। इससे ये होगा ये कि फोन जो है आपके कॉन्टैक्ट से थोड़ा दूर रहेगा, क्योंकि आपके पास ईयरफोन है और ईयरफोन से आप बातें कर रहे हैं, बेहतर होगा कि फोन आपसे दूर है, तो अगर फोन में कुछ होता भी है तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके बाद एक और जो है, अगर आपके फोन में बैटरी कम है तो आप बिल्कुल भी फोन किसी का भी फोन आने दो पिक नहीं करेंगे। अगर आपके फोन में 15% से कम बैटरी है तो आप बिल्कुल भी किसी का भी फोन उठाएंगे नहीं। तकलीफ ये होती है कि अगर आपके फोन में बैटरी कम होती है तो जो कॉल आता है तो उस टाइम पे नेटवर्क को पकड़ने में ज्यादा टाइम लगता है, फोन को बैटरी को बहुत तकलीफ देता है, फोन बहुत तकलीफ देता है और रेडिएशन बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप जो है फोन पे जब बात कर रहे होते हैं अपने पास, तो जो है इतना ज्यादा रेडिएशन हो रहा होता है, उसकी वजह से जो है आपके दिमाग में बहुत असर पड़ता है और इसकी वजह से जो है ब्रेन कैंसर भी हो सकता है। तो इन चीजों से आपको बच के रहना है, ट्यूमर भी हो सकता है, बच के रहिए। जब भी अगर आपके फोन में बैटरी कम है तो आप यूज ना करें। और एक और चीज जो है, बैटरी अगर आपके फोन आता है तो फोन आते टाइम अगर आपको बात करनी है तो इस टाइम पे भी आप हेडफोन का लगा के यूज कर सकते हैं, अगर बहुत जरूरी फोन है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फोन उठाइए ही मत, लेकिन बहुत जरूरी तो हेडफोन से कर सकते हैं, ताकि फोन दूर है तो रेडिएशन जो है आपके सर के पास कम होगी। इसके बाद जो है, आप अपने फोन को चार्जिंग के लेकर के लोगों का कहना है कि आप जो है 90% के ऊपर चार्ज मत कीजिए, 40% के ऊपर चार्ज मत कीजिए, एक बार फुल्ली या डिस्चार्ज हो जाने दीजिए उसके बाद ही चार्ज कीजिए। ऐसा कुछ नहीं, आप चार्ज कर सकते हैं डेफिनेटली, बट ध्यान रखिए कि अगर आपका फोन जो है 90% या 95% होता है, उतने पे आप बंद कर दीजिए, चार्जर निकाल दीजिए। मतलब तकलीफ नहीं होती, पर फोन की बैटरी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है, बैटरी थोड़ी अच्छी चलती है, बैटरी का हेल्थ अच्छा रहता है। तो ये टिप्स है, अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप जो है चार्जर को कभी भी लगा सकते हैं। आप अपना बैटरी जो है आइडियली 40% से 70% के बीच में रखें। अगर आप 15% के नीचे लाते हैं तो फोन को तकलीफ होती है, क्योंकि बैटरी पूरी अगर एक बार डेड हो गई और फिर से उसको रिचार्ज होने में टाइम लगता है। उसके बाद जो है, आप फोन चार्जिंग करते समय जो है अपने नेटवर्क ध्यान रखें कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और इंटरनेट कनेक्शन, डेटा कनेक्शन या जो लोकेशन है जीपीएस लोकेशन, सब बंद कर दें। इससे होगा ये कि नेटवर्क जो है जितना कम रहेगा, कनेक्शन ज्यादा जितने ही कम रहेंगे, फोन की बैटरी उतनी तेजी से चार्ज होगी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जो है, आप अपने फ्लाइट मोड को रख सकते हैं। तो अगर आप फ्लाइट मोड पर रखेंगे तो आपका फोन काफी तेजी से चार्ज होगा, सारे नेटवर्क बंद हो जाते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप एक बार टेस्ट करके दीजिए, देखिए 1.5 गुना तेजी से चार्ज होता है फोन। और अगर आप और भी ज्यादा फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, आप फास्ट चार्जर की तरह चाहते हैं चार्ज करना अपने फोन को, तो एक बार स्विच ऑफ करके फोन को चार्ज करके देखिए, यकीन नहीं होता, करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने आएंगे। और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आई बी वेरी हैप्पी टू नो कि आप जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मैंने जो भी टिप्स बताई आपको। आप जो है एक बार करके देखिए, जस्ट स्विच ऑफ करके अपना फोन चार्जिंग में लगाइए, फिर देखिए कितना तेजी से आपका फोन चार्ज होता है। और ये कुछ टिप्स थी, अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा टिप्स है तो आप जरूर बताइएगा मुझे। और बस आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। मेरा नाम है निर्मल, आपने देखा
हाईटेक नर्मल यूट्यूब चैनल, कमेंट करके बताइएगा जो भी आपके क्वेरीज हैं, आपको कोई और टिप्स या ट्रिक्स कुछ भी पता है तो, और पसीना बता रहा है वैसे गर्मी के मौसम में शूट कर रहा हूं मैं ये वीडियो। थैंक्स अ लॉट, सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि बहुत जरूरी है मेरे लिए, बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलता है कुछ और वीडियोज ऐसे ही आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बनाने की। सब्सक्राइब करके जाइएगा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।